सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल आशीष चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। हेलो गाइस, कब से पबजी इंडिया में रिलीज हुआ है उसके लाइट वर्जन को लेके काफ़ी ज़्यादा मतलब उम्मीदें हैं लोगों कि उसका लाइट वर्जन आएगा क्या, और इसकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड है इसकी वीडियोस की। तो मैंने भी सोचा क्यों ना इस टॉपिक पे एक वीडियो बना दिया जाए कि पबजी वाकई इंडिया में रिलीज हो रही है या नहीं दे रही है। लेकिन मैंने वीडियो बनाने से पहले काफ़ी कुछ सर्च किया कि मैं अपने व्यूअर को क्या बताऊँगा कि पबजी वाकई इंडिया में रिलीज हो रही है या फिर फेक वीडियो बना के। मैं वैसा नहीं हूँ फेक वीडियो बना के और आपको आपको मैं अपना थंबनेल दिखा दूं कि पबजी इंडिया में रिलीज हो रही है। सो मैंने काफ़ी ज़्यादा सर्च की तो उसके बाद मुझे पता चला कि पबजी इंडिया में रिलीज़ तो हो रही है, लेकिन कब रिलीज हो रही है ये कंफर्म डेट अभी तक क्लियर नहीं है। तो चलिए मैं आपको प्रूफ दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं BGR.in करके वेबसाइट है जिन्होंने 10 अगस्त को लास्ट अपडेट दिया था कि पबजी को बनाने वाली कंपनी जो है टेंसेंट गेम्स, जिसका सबसे फेमस गेम पबजी और खास करके इंडिया और पूरे वर्ल्ड में अभी पबजी ही सारे गेम में सबसे ज़्यादा फेमस हो रही है और फेमस है और काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जा रहा है लोगों में। लेकिन इसके साथ प्रॉब्लम यह है कि जो जिनका लो बजट का मोबाइल है वो इस गेम को नहीं खेल सकते, बिकॉज इसमें 4 GB का जिनका रैम है उसमें सबसे अच्छे तरीके से ये पबजी गेम चल रहा है। इसके लिए इसका जो ग्राफिक्स है वो काफ़ी हाई लेवल का है। इसको पबजी का लाइट वर्जन का मांग काफ़ी ज़्यादा होने लगा, बिकॉज इंडिया में 90% से ज़्यादा लोग यार कम दाम का मोबाइल यूज करते हैं, बिकॉज इंडिया में सबसे ज़्यादा यार आपको 10,000 से नीचे के मोबाइल मिलेंगे। बिस भले ही वर्ल्ड में एप्पल सबसे ज़्यादा बिकता हो लेकिन हमारे यहाँ वैसी बात नहीं है। लेकिन अभी पबजी ने लाइट वर्जन रिलीज किया है वो भी फिलीपींस के लिए। यार ये जो इसका लाइट वर्जन था, तो लाइट वर्जन में आपको है क्या कि ये आपको 30 से 40 MB का तो है, उसके बाद से आपको इसको मतलब 200 से 250 MB तक ये जा सकता है ज़्यादा से ज़्यादा करके। और इसकी खासियत ये है कि ये 1 GB रैम में भी चल जाएगा और आपको जो 5.1 से जैसे कि अभी पबजी का जो है वो 5.1 के ऊपर के मोबाइल में चलेगा और 4 GB, 2 से 4 GB तक आपका रैम होना चाहिए। 2 GB में भी ये चल जाता है, काम कर जाता है लेकिन उतने अच्छे तरीके से काम नहीं करता है। लेकिन इसमें है कि 4.4 समथिंग वाले आपको वर्जन में भी ये काम करेगा। लेकिन पबजी फ़िलहाल इंडिया में क्यों नहीं रिलीज हो रहा है, बिकॉज ये अभी बेटा टेस्टेड वर्जन पे अभी काम कर रहा है और बेटा टेस्टेड वर्जन में काम करने में आपको 2 महीने से ज़्यादा का समय लग जाता है और ये 10 अगस्त का है। तो ऐसे ही फिलीपींस में जब 10 अगस्त के बाद रिलीज हुआ, अच्छे तरीके से प्रॉपर वे में काम करना शुरू किया, तो इंडिया में कितना टाइम लगेगा। फिलहाल पबजी के वेबसाइट पर भी आप जाइएगा तो इसके लिए कोई ऑफिशियल इसका अनाउंसमेंट नहीं किया गया है। और पबजी लाइट की खास बात यह है कि इसमें आपको 100 के बजाय 40 प्लेयर ही आपको आपको खेलेंगे और आपके इसके जो मैप है वो थोड़ा छोटा होगा नॉर्मल ये करने के लिए। तो लाइट वर्जन तो है लेकिन इसमें कुछ प्रॉब्लम भी आ सकती है। अब देखते हैं पबजी इंडिया में जब लाइट वर्जन को रिलीज करता है तो इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और बहुत सारे हमारे जो व्यूअर हैं वो शायद इस गेम को खेलना पसंद करें जो अभी तक इस गेम को लेके काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है लेकिन अपने 2 GB या 1 GB रैम के कारण नहीं खेल पाते हैं। ये कुछ नए अपडेट थे जो आपको देने ज़रूरी थे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और हाँ नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप पबजी गेम को लेकर कितने ज़्यादा एक्साइटेड हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।